गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नई फ्रेश जर्नी में। मैं हूँ राजीव मिश्रा और स्वागत है हमारे आरएमबी फैमिली में। फिर आ गया हूँ मैं आपके सामने एक नई फ्रेश जर्नी लेके। आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होगी 09602 न्यू जलपाईगुड़ी टू उदयपुर सिटी, जो कि अपने 29 ऑफिशियल हॉल्ट के साथ चलती है और जो कि वीकली मेल एक्सप्रेस है, जो कि हर मंडे को न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह 8:15 में खुलती है और उदयपुर सिटी थर्ड डे यानी 3 दिन का सफ़र, टोटल 2231 किलोमीटर का अपने सफ़र तय करती है, जो कि टोटल 5 राज्य को ये क्रॉस करती है और इसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर होती है और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर के साथ ये चलती है। इसमें आपको बता दूं, एंट्री कार आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अभी हमारी ट्रेन आने ही वाली है। अभी मैं हूँ न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर, तो चलिए इस जर्नी में बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आज का होने वाला है और इसको मैं 2 से 3 पार्ट में आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये 3 दिन की जर्नी है 2231 किलोमीटर, जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, इसके लिए सॉरी गाइज। फिर भी अब बैक टू बैक आपको वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो हमारी इस जर्नी को इंजॉय करें, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू व्यूअर्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होगी S4 में और हमारा जो है वो RAC सीट ही रह गया है। तो भाई ये रही, देखिए अपनी सीट 31 RAC है। तो फाइनली मैं ट्रेन में बोर्ड कर चुका हूँ। ये रही अपनी RAC विंड लॉर्ड्स। तो 183 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन जो अभी पहुँच चुकी है कटिहार जंक्शन। कटिहार को डिपार्चर कर रही है हमारी ट्रेन। WAP-5 और WAP-7। अगर इसकी कोच कंपोजिशन की बात करूं तो जनरल के 5 कोच, स्लीपर के 7 कोच, थर्ड AC के 5 कोच और सेकेंड AC के 2 कोच इसमें मिलेंगे। फर्स्ट AC इसमें अवेलेबल नहीं मिलेगा, पेंट्री कार भी इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर इसकी मैं फेयर की बात करूं तो 2 सीटर का 465 रुपया, स्लीपर का 900 रुपया, थर्ड AC का 2275 रुपया और सेकेंड AC का 3200 रुपया इसका फेयर अभी फ़िलहाल है। देखिए अभी हम आए हुए हैं वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम में, ठीक है। साफ सफाई सही से है क्योंकि अभी ट्रेन खुली ही है, तो साफ सफाई ठीक ही है। लेकिन यहाँ पे सोप भी नहीं है, पानी आ रहा है, जग दिया हुआ है नीचे में, आईना उतना क्लियर नहीं है, लाइट प्रॉपर जल रही है। ये वेस्टर्न स्टाइल, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं इंडियन स्टाइल। इसमें भी वही है, आईना थोड़ा गंदा है, ग्लास दिया हुआ लेकिन ये टूटा हुआ है। नीचे भी साफ ही है, पानी प्रॉपर है कि नहीं, इसमें ये हैंगर दिया हुआ है, पानी प्रॉपर आ रहा है। चलिए
जिसका नाम है कुर्सेला पुल। तो पानी तो लबालब भरा हुआ भाई। अगर फ्रेंड्स बात करूँ इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड तो है नहीं, जैसे कि 2231 यानी कि 2200 किलोमीटर से प्लस ये गाड़ी चलती है और पेंट्री कार इसमें नहीं है। पेंट्री कार मेरे हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन आपको इसमें खाना अवेलेबल हो जाता है। मैंने अभी देखा कि यहाँ पे खाना का ऑर्डर लेने के लिए आ रहे थे और यहाँ पे पैक फूड भी जो है वो बेचा जा रहा था। पैक फूड मीन्स क्या, जो कि बाहर से पैक करा के यहाँ पे आपको बेचा जा रहा था। पानी भी अवेलेबल हो जा रहा है और ख़ास दिक्कत इसमें आएगी अगर आपके साथ बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो आपको खाना जो है वो आपको घर से ही इसमें पैक करा के रख लीजिए, जो कि आप क्योंकि 3 दिन की लॉन्ग टूर इसमें होने वाली है। आप जान ही रहे हैं अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से डायरेक्ट उदयपुर जा रहे हैं तो, क्योंकि इसमें ये 5 राज्य को क्रॉस करती है। फर्स्ट में हो गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली और तब जाके राजस्थान में घुसती है। यानी कि 5 स्टेट को कवर करती है। काफ़ी लॉन्ग टूर का इसका जर्नी होता है, तो आप घर से ही पैक फूड जो है वो पैक करा लें, इसके बाद इसमें चलें, क्योंकि बच्चों को इसमें खासी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो इसका आप ध्यान रखें। चलिए, जर्नी कैसी लग रही है लाइक ज़रूर कर दें हमारे वीडियो को और कंटिन्यू देखते रहें। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 1:41 दिन के और अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खगड़िया, बिहार के खगड़िया जंक्शन पे अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो 3 प्लेटफॉर्म्स का यहाँ स्टेशन है और कोविड से पहले यहाँ पे रोज़ाना 206 ट्रेनें जो है वो क्रॉस करती थी। यहाँ से 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 2 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। यही रहा था यहाँ पर, बस आपको फूड मिलेंगे, खीरा वगैरह बिक रहा है। यहाँ से एक और रूट डाइवर्ट हो जाता है जो कि मानसी से फिर चला जाता है सहरसा की तरफ। तो हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, चलिए चढ़ते हैं ट्रेन में। पानी पानी अपनी ट्रेन जो है वो खगड़िया से डिपार्चर हो चुकी है। हाँ जाइए सर, उतरिए आराम से। तो फ्रेंड्स, फाइनली 394 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन जो है वो अभी पहुंची है समस्तीपुर जंक्शन, ईस्ट सेंट्रल जोन में पड़ने वाला समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाला समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, जिसका कि स्टेशन कोड है SPJ। और ये 15 मिनट बिफोर पहुंचाई है, 3:05 में ही हमें पहुंचा दी, जबकि इसका अराइविंग टाइम 3:20 पे यहाँ पे पड़ता है। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है। 274 ट्रेनों का यहाँ पे पर डे हॉल्ट होता था कोरोना काल से पहले। 29 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और 29 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। तो अभी तक की जर्नी तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा सही हो रखा है, लेकिन गर्मी उतनी की उतनी ही है, गर्मी कम नहीं हो रखी है।
यहाँ पे खाने पीने के चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ पे आपको पैक फूड आइटम्स मिल जाता है, और बाकी स्टेशन साफ़ सुथरा ही है, यहाँ पे किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं। खाने पीने की चीज़ें अभी बहुत कम बिक रही हैं, पैक फूड ही है जो आपको यहाँ पे लेना होगा और खाना होगा। मैं भी कोशिश करता हूँ यहाँ पे पानी ले लेता हूँ, पानी ऐसा है मेरे पास में लेकिन ठंडा पानी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ ठंडा पानी ले लूँ। रेल नहीं रहा क्या? तो मैं ठंडा पानी ले लेता हूँ। लीजिए पैसा, मैंने एक रेल नेट ले लिया है बस, ये नोट तो पूरा भाई है, जमा हुआ नोट है, नोट बदल दीजिए। जैनपुर सिटी है ट्रेन है। तो गाइस मैंने एक पानी की बोतल ले ली है यहाँ से, तो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन जो है वो समस्तीपुर जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है, तो इसका मैं आपको डिपार्चर दिखा दे रहा हूँ। करना है क्या फीचर वीडियो बना, तो समस्तीपुर के जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी ट्रेन गाइस मुजफ्फरपुर पहुंच रही है, जीरो छियानवे जीरो दो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो मेजर साइड उदयपुर सिटी तक जाएगी, फिर पाँच संख्या दो सौ खड़ी हो रही है, यहाँ से उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो मेजर साइड उदयपुर सिटी तक जाएगी है। तो फ्रेंड्स हमें एक यहाँ पे ट्रेन में ही मिल गए थे अमनदीप भाई, जो कि पंजाब से हैं, यहाँ पे बिजनेस पर्पज़ से ट्रेवल कर रहे थे, मिल के बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, तो अभी फाइनली जो है हमारी ट्रेन वो बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पे पहुँच चुकी है। तो इस जंक्शन की ओपन की बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इंडिया 1886 में, और 2010 में इसे फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड करके तैयार कर दिया गया। गाइस नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 212 ट्रेनों का यहाँ पे रोजाना हॉल्ट होता है, और 42 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 42 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ से कुछ भीड़ बढ़ना शुरू हुआ है, इसके मुजफ्फरपुर से ट्रेन जो है वो डिपार्ट हो चुकी है। ट्रेन काफ़ी बढ़ चुकी है भाई लोग, अब जो है लेके पैसेंजर बोर्ड किए हैं इसमें। तो ये देखिए मुजफ्फरपुर, दो नंबर पे हमारी ट्रेन जो है वो आई थी, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स आप अगर कभी मुजफ्फरपुर आते हैं तो यहाँ का जो मेजर अट्रैक्शन आप गरीबनाथ का मंदिर है, महादेव का, वो आप ज़रूर घूमिएगा, यहाँ का वो प्रसिद्ध मंदिर है। ट्रेन अपनी खुल चुकी है 10 मिनट डिले से, टेम्परेचर की बात करूँ तो लगभग 30 प्लस ही टेम्परेचर यहाँ पे है। तो 500 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन जो है न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी 09602 ये अभी 5:10 पर पहुंची है
हाजीपुर जंक्शन पे। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 264 ट्रेनें यहां से हॉल्ट करती हैं, ये कोविड के पहले का डाटा है। एक भी ट्रेनें ना ही यहां से ओरिजिनेट होती है ना ही यहां से टर्मिनेट होती है। 5:10 हुए हैं, शाम ढलने लगी है, सूरज वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ये स्टेशन है, आप देख सकते हैं। हाजीपुर का सबसे फेमस चीज़ आप देख सकते हैं केला, यहाँ पे आपको केला मिल जाएगा सबसे बढ़िया। और यहाँ पे आप पुल जानते होंगे, हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाली गांधी सेतु, जी हाँ गांधी सेतु जो कि सबसे लंबे पुल में आती है, वो पटना में ही हाजीपुर से ही जुड़ी हुई है, पटना को जोड़ने वाली गांधी सेतु। कैसे दिए केला? 20 का दर्जन। हाँ बढ़िया केला। तो 20 रुपए का दर्जन, यानी कि 12 पीस मिल जाता है 20 रुपए का। तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई थी, यहाँ पे केला बहुत ही ज़्यादा बिकता है भाई, बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ यहाँ पे केला केला बिक रहा था। यहाँ का फेमस है केला। ये देखिए हाजीपुर को छोड़ रही है हमारी ट्रेन। ये था इसका 6th हॉल्ट। पूरा 2200 किलोमीटर एक वीडियो में कवर करूं तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, आप लोग भी नहीं देखोगे, बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको 3 पार्ट में आपको देने वाला हूं, तो फुल वॉच करना। 2000 तो फाइनली 560 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन अपने 7वें हॉल्ट छपरा जंक्शन पहुँच चुकी है, जिसका कि स्टेशन कोड है CPR। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 228 ट्रेनें यहाँ पे रोज़ाना हॉल्ट करती थी कोविड से पहले। 39 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 39 ट्रेनें यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती। यहाँ पे इसका टाइम था 6:45, लेकिन ये हमें 6:24 यानी कि बिफोर ही पहुँचा दी है। और यहाँ पे 6:55 पे इसका खुलने का समय है, यानी कि अच्छी खासी देर यहाँ पे ट्रेन जो है वो रुकने वाली है। यह लखनऊ फरीदाबाद 050/53 WAP-4 के साथ ये चलती है, देख सकते हैं लगा हुआ है WAP-4। तो मैं आपको यहाँ का मौसम थोड़ा दिखा देता हूँ।